रहे हैं अवार्ड विनिंग शो वंदे मातरम, अयोध्या से, सरयू तट से, भगवान राम की नगरी से, राम की पेढ़ी से। लेकिन इस सब के बीच आपको याद होगा कल ही की बात है जब पूर्वांचल में पूर्वांचल एक्सप्रेस का वे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। लेकिन इन सब के बीच दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये उद्घाटन और विकास का ये विजय पथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को शायद हजम नहीं हुआ। यही वजह हुई कि कल और आज जरा भी उन्होंने देर नहीं की और कैसे अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से इसी एक्सप्रेसवे पर लैंड कर गए, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। उन लोगों का मैं देख रहा हूं आपा खो रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। लाल टोपी में समाजवादियों के हुजूम के बीच एक हेलीकॉप्टर की लैंडिंग होती है। हाईवे के नाम पर क्रेडिट लेने के लिए अखिलेश यादव अपने लाव लश्कर के साथ उसी एक्सप्रेसवे पर उतर गए जहाँ ठीक 24 घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने फाइटर प्लेन्स ने टेक ऑफ किया था। उसी एक्सप्रेसवे पर अब टीपू उड़न खटोले से पहुंचे और इस हाईवे से अपनी सियासत को टेक ऑफ करने की कोशिश में जुट गए। ये शिलान्यास करने वालों ने हमेशा शिलान्यास किया है। उद्घाटन हुआ है क्योंकि मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे समाजवादियों ने साइकिल चला करके फूल की वर्षा कर करके उद्घाटन पहले से ही कर दिया है। एक्सप्रेसवे पे हवाई जहाज उतार देना, एक्सप्रेसवे पर मिराज और सुकोई को उतार देना, भारतीय जनता पार्टी भी आज भी 5 साल पुराना काम ही दोहरा रही है जो समाजवादी लोग करके छोड़ चुके हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी को जो डबल इंजन की सरकार है इसे कई गुना तेजी से और आगे बढ़कर के काम करना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर क्रेडिट की लड़ाई इसके उद्घाटन के ठीक एक दिन बाद सड़क पर उतर आई। समाजवादी पार्टी ने अपना विजय संकल्प रथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ मोड़ दिया। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने इस एक्सप्रेसवे का नामकरण भी कर दिया समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। खास बात यह है कि इस दौरान उनके साथ नए पार्टनर यूपी के छैला भी नजर आए। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों को जोड़ने का काम कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो तकरीबन 28 जिले इसकी जद में आ रहे हैं और उन 28 जिलों पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का असर पड़ेगा। और खास करके बीते 14 साल का इतिहास देखा जाए तो तकरीबन यहां पर 164 जो करीब करीब विधानसभा सीटें हैं इन तमाम जिलों में, 14 सालों में रिकॉर्ड रहा है कि जो भी इस पूर्वांचल पर इन जिलों में जीत हासिल करता है, जिसका दबदबा रहता है, उसी की सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। और यही वजह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इस वक्त सियासत का भी एक्सप्रेसवे बन चुका है। साल 2007 में बीएसपी ने इस इलाके में 100 सीटें जीती थी और मायावती मुख्यमंत्री बन गई। वहीं 2012 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने करीब 110 सीटों पर कब्जा जमाकर लखनऊ में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। जबकि इस 2017 में बीजेपी पूर्वांचल की लगभग 115 सीटें जीतकर सत्ता के शिखर तक पहुंची। आने वाले समय में यही पूर्वांचल की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक सफाया करने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किलें कम नहीं है क्योंकि योगी के एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलते ही पंचर हो गई। एक तरफ अखिलेश यादव रथ से सियासी ताकत दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ उनके घर में ही सेंधमारी हो गई। समाजवादी पार्टी के 4 MLC लाल टोपी छोड़कर कमल के साथ हो लिए। आज नींद नहीं आएगी अखिलेश यादव, अब सपा से एक एक को चुन चुन कर
सेक्टर से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ता जो भी आपके वहां पर रहते हैं वह सभी लोग बीजेपी से जुड़ जाएं, इसकी आप सबको चिंता करना है नीचे तक के कार्यकर्ता की। ये MLC कभी भी समाजवादी पार्टी में नहीं थे, समाजवादी पार्टी से केवल चुनाव जीते और पिछले चुनाव से लेकर के इस चुनाव तक जो आने वाला है एक भी जगह समाजवादी पार्टी के समर्थन में नहीं खड़े थे। जिस एक्सप्रेसवे को लेकर यूपी की सियासत में उबाल आया है उसी एक्सप्रेसवे को लेकर ये भी सियासी मिथक है कि यूपी में सरकारों को एक्सप्रेसवे बनाने का चुनावी फायदा नहीं मिला है। एक्सप्रेसवे बनाकर भी मायावती और अखिलेश यादव की सरकारें अगले चुनावों में सत्ता से हट गई थी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये मिथक 2022 में टूटेगा।